आधुनिक युग में भारतीय सामाजिक व्यवस्था में किस तरह से बदलाव हुआ है? पहला, संयुक्त परिवार में बदलाव। आधुनिक व्यवस्था धीरे धीरे बदल चुका है। आज के युग में औद्योगिकीकरण होने के कारण व्यक्ति रोजगार की खोज में गांव छोड़कर शहर की ओर जाते हैं, जिसके कारण संयुक्त परिवार की व्यवस्था बदल गई है और एकाकी परिवार में तब्दील हो गया है। दूसरा, शिक्षा का विकास। जैसे जैसे समाज में रोजगार की बढ़ोतरी हुई है, व्यक्तियों में शिक्षा का विकास होने लगा है। तीसरा, वैवाहिक जीवन में बदलाव। आधुनिक युग में देखा जा रहा है कि जैसे जैसे शिक्षा का विकास हुआ है, वैवाहिक जीवन में बदलाव हो रहा है। जाति पाति की भेदभाव से ऊपर उठकर व्यक्ति अंतरजाति विवाह कर रहे हैं और इस तरह से सामाजिक व्यवस्था में बदलाव हो रहा है। चौथा, जाति व्यवस्था में छुआछूत की कमी। आज देखने को मिल रहा है कि प्रत्येक जाति के लोग एक साथ मिलजुल कर भोजन करते हैं, एक साथ किसी संस्था में काम करते हैं। इस तरह से सामाजिक व्यवस्था में बदलाव हो रहा है, धीरे धीरे बदलाव की ओर अग्रसर हो रहा है। इस तरह से कहा जा सकता है कि आधुनिक युग में सामाजिक व्यवस्था में बदलाव हो रहा है। धन्यवाद।